भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग थीम पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा योग पर देशभक्ति गीतों पर थीम दी गई। करेरा ITBP सपोर्ट वाहिनी RTC सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल करेरा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल करेरा द्वारा तीनों संस्थाओं के प्रमुखों के नेतृत्व में अलग अलग स्थानों पर वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग थीम पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन स्थानीय क्षेत्र करेरा स्थित किले के पास किया गया। DIG APS निबाडिया, SWTS DIG सुरेंद्र खत्री, RTC सेनानी अभय चंद्र, सपोर्ट वाहिनी बल करेरा के नेतृत्व में वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग थीम पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन स्थानीय क्षेत्र करेरा स्थित किले के पर योगाचार्य अपार कौशिक के द्वारा कराया गया। इसमें करेरा अकादमी के छात्र छात्राओं स्थानीय नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। सेनानी अभय चंद्र ने कहा कि वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ है धरती की ही परिवार है। इस थीम से तात्पर्य धरती पर सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता से है। योग के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि योग से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर एवं मस्तिष्क में समाहित होकर हमें स्वस्थ एवं निरोग रखने के साथ साथ जन कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। योग न केवल अध्यात्म से जुड़ा मामला रह गया अपितु वह स्वस्थ जीवन शैली जीने का एक सशक्त माध्यम भी बन गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित आदरणीय सम्मानित महिलाएं, प्यारे बच्चों, बहन भी साथियों, जैसा कि आज सबको विदित है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और आज के लिए जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम रखी वसुधैव कुटुंबकम रखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है धरती ही परिवार है। इस थीम से तात्पर्य धरती पर सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता से है। पूरे विश्व में योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज चौर योग उत्सव की बहार आई हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण भारत योगमय हो गया है। योग को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने, इसका लोहा मनवाने में भारत का अहम योगदान है। 27 दिसंबर 2014 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाने के रूप में पूरे विश्व का आह्वान किया था। योग की महत्ता को लेकर भारत के प्रयासों के चलते दुनिया भर के देशों ने इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वीकारा तथा 11 दिसंबर 2014 को इसको मनाने की घोषणा की गई। 21 जून 2015 को पहली बार इसे विश्व स्तर पर योग दिवस के रूप में पहचान मिली। जैसा कि आपको अंदाजा होगा और विदित भी होगा, योग का अर्थ है जोड़ना, अर्थात मन, हृदय और आत्मा से के परमात्मा से मिलन को ही योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चित वृत्ति निरोधक, अर्थात चित्त की वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेना ही योग है। योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह वास्तव में मन और आत्मा की अनंत संभावनाओं को प्रकट करने का सबसे सतही पहलू है। वर्तमान परिदृश्य में योग न केवल अध्यात्म से जुड़ा मामला रह गया है अपितु यह स्वस्थ जीवन शैली को जीने का एक सशक्त माध्यम भी बन गया है। योग करने से सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर और मस्तिष्क में समाहित होकर हमें स्वस्थ निरोग बनाने के साथ साथ जन कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। आप सबने देखा होगा, चाहे पहले से भी योग दिवस मना रहे हैं या आज भी है, आज स्वास्थ्य की आवश्यकता या उसकी महत्ता उसे हम कहीं ना कहीं अपरिचित नहीं है। आधुनिक हमारी जीवन शैली है उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी कार्यशैली में है उसमें हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि जाने अनजाने, चाहे वह हमारे खान पान भी उसमें शामिल है, कुछ ना कुछ रोगों के से ग्रसित होते जा रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि जब योग की विभिन्न क्रियाएं की करवाई जा रही थी वो एक शरीर के ऊपरी हिस्से से शुरू होकर शरीर के आखिरी हिस्से तक को व्यायाम करवाया गया, जोड़ा गया और उसकी एक्सरसाइज करवाई गई। आप देख सकते हैं कि एक छोटे से जगह में, चाहे आप महिलाएं हैं, बच्चे हैं या और भी पुरुष,
अगर किसी भी, चाहे हम फौज में है चाहे उसके बाद और सिविल लाइफ में भी, युवक की जो क्रियाएं हैं वो एक लिमिटेड जगह में बिना किसी विशेष प्रयास के सीखी जा सकती है और की जा सकती है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं पुनः सभी से अनुरोध करता हूँ, चाहे वो घर की महिलाएं हैं अपनी और बाकी लोग भी हैं, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा थोड़ा समय अवश्य निकालें और ऐसी क्रियाएं आप समय निकाल के अपने लिए कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कर सकते हैं और आपने अभी देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज को सीखने में उत्साहित हैं और आपके सामने भी उन्होंने प्रदर्शित किया है। पुनः एक बार आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ढेर सारी बधाएं और साथ साथ जो माता जी भी सामने बैठी हुई हैं और बाकी लोग भी आए हुए हैं, आज सभी को इस योग दिवस में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद।